नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में अटिंगा कार चालक ने स्कूटी पर जा रहे दंपति को कुचला। वलसाड पुलिस ने मुख्य मार्गों पर अव्यवस्थित पार्किंग पर आंखें की लाल। पार्टी सुखेस की एक विधवा महिला का घर बारिश के कारण टूटा। पटलारा के सरपंच ने बिजली के दरों में राहत देने हेतु प्रशासक को सौंपा ज्ञापन। अब समाचार विस्तार में। लॉकडाउन में वापी की एक कंपनी के मालिक ने कंपनी में ही एक जुए का अड्डा खोला। CIDC पुलिस से कंपनी पर छापेमारी कर 8 चुहारियों को दर दबोचा। CIDC पुलिस ने वापी में द्वितीय चरण CIDC में प्रीटेक कंट्रोल नामक कंपनी पर छापा मारा और 8 चुहारियों को 41,76,500 के मुद्दा माल के साथ गिरफ्तार किया। लॉकडाउन के दौरान कंपनी का मालिक पूनम पंचाल श्रावण का जुआ खेलने का प्रबंध करता था। वापी CIDC पुलिस ने चुहारियों पर छापा मारा। पुलिस के अनुसार वापी CIDC के दूसरे चरण में प्रीटेक कंट्रोल नामक कंपनी के मालिक पूनम ईश्वर पंचाल अपने अन्य दोस्तों के साथ जुआ खेलने में शामिल था, जिसके आधार पर पुलिस ने रात 10:15 बजे कंपनी पर छापा मारा। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 8 जुआरी को गिरफ्तार किए। इसी के साथ 25,500 नगद, अंग चर्ती में 24,000 के और 37,000 के 8 मोबाइल और 37,90,000 के 5 वाहनों को मिलकर कुल 41,76,500 के मुद्दा माल को जब्त कर जुआ की धारा के तहत कार्यवाही शुरू की है। उल्लेखनीय है कि फिलहाल लॉकडाउन के दौरान कंपनियां बंद है, श्रावण मास चल रहा है। उस समय कंपनी के मालिक पूनम पांचाल ने कंपनी में एक जुआ अड्डा खोला था। पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों में 14 लाख रुपए की एक इनोवा कार, 22 लाख रुपए की एक हुंडई टक्शन कार और 3 बाइक शामिल है। जब्त किए गए कुल 8 व्यक्तियों में से 43,000 कंपनी के मालिक पूनम चंद पांचाल, उनके भाई दशरथ पांचाल के पास से 1 लाख, अंकित चतरलाल के पास से 22,000, विजय दवे के पास से 28,000, केतन मकवाणा के पास से 12,000, परवेज मुल्तानी के पास से 40,000, जयूब शेख के पास से 59,000 और मनीष मोडिया से 20,000 रुपये नगद बरामद किए गए। सिलवासा में मारुति अर्टिंगा चालक ने स्कूटी सवार दंपति को कुचला, मौके से ड्राइवर फरार। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा नरोली रोड पर रविवार को एक भयानक सड़क हादसा देखने को मिला। शाम 5 बजे नरोली की तरफ से तेजी से आ रहे TN09Q8727 नंबर की मारुति अर्टिगा चालक ने नरोली से सिलवासा की तरफ जा रहे स्कूटी सवार दंपति को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे कि दंपति बुरी तरह से घायल हो गए। घायल दंपति का नाम महेश सोमजी है, जबकि उनकी पत्नी राखी महेश को गंभीर अवस्था में सिलवासा के निकटतम विनोबा भावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही नरोली पुलिस उप निरीक्षक और उनकी टीम मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी है। दादरा नगर हवेली के पीपलिया इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थित एक कंपनी में बिजली का झटका लगने से मजदूर की मौत। कंपनी प्रबंधन ने अस्पताल ले जाने की नहीं उठाई जहमत। दादरा नगर हवेली के पीपरिया दान उद्योग इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थित दादरा नगर हवेली परफ्यूम एंड एरोमेटिक्स नामक कंपनी में मेंटेनेंस के कार्य पिछले 8 वर्ष से कार्यरत 40 वर्षीय वीरेंद्र मोहन पांडे को काम के दौरान बिजली का झटका लग गया था, जिससे उन्हें अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किया गया। इस संदर्भ में मृतक वीरेंद्र मोहन के पुत्र ने बताया कि सुबह करीबन 10 बजे उसे कंपनी से फ़ोन आया था कि आपके पापा को कुछ हो गया है, जिससे वह जब कंपनी पर पहुंचा तो वीरेंद्र मोहन का शव उसने एक साइड में रखा पाया था।
और सामने एम्बुलेंस भी खड़ी थी। पुत्र ने जब कंपनी प्रबंधन से पूछा कि आप मेरे पापा को अस्पताल क्यों नहीं ले गए, तब कंपनी प्रबंधन ने बताया कि हम लोग बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। जब एम्बुलेंस से वीरेंद्र मोहन को सिलवासा के श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल में ले जाया गया तो वहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि अभी तक कंपनी प्रबंध की ओर से कोई सुध लेने नहीं आया है। ऐसे में कंपनी पर सवाल उठने लाजमी है कि काम के दौरान मजदूर की मौत हुई कैसे और बिजली का झटका लगने के बाद तुरंत अस्पताल ले जाने में क्यों देरी की गई। खैर, मामले की जाँच पुलिस कर रही है। वीरेंद्र मोहन पांडे, दादरा नगर हवेली प्राइवेट लिमिटेड। कम से कम 7-8 साल से मेंटेनेंस में मेरे को फ़ोन आया कंपनी से कि आपके पापा को कुछ हो गया है, आप आ जाओ। मैंने पूछा क्या हुआ, आप आ जाओ, इतना ही बोला मेरे को। फिर मैं गया वहाँ पे तो बॉडी साइड में रखी थी तो बोला इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया। तो मैंने बोला अभी एम्बुलेंस सामने खड़ी थी, लेकिन मैंने बोला कि आपका ही वेट कर रहे थे। फिर एम्बुलेंस में डाल के लेके आए थे, यहाँ पे मृत घोषित कर दिया। दादरा नगर हवेली एक कंपनी है, ये पिपरिया में है। पहले कंपनी को डॉन प्रफून नाम था, अब इसको नाम बदल के दादरा नगर हवेली प्रफून कर दिया गया। इसमें इलेक्ट्रिशियन मोहन पांडे करके है, ये यहाँ कंपनी में 4-5 साल से काम करता था। आज सुबह 8 बजे ड्यूटी में चढ़ा, 10:30 बजे हादसा हो गया। इसको अस्पताल ले जाते समय इसकी मौत हो गई, डॉक्टरों ने मौत घोषित कर दिया। अब इसको किस तरह कंपनी मुआवजा देती है और किस तरह पुलिस जाँच करती है इसकी, जाँच करने के बाद पता चलेगा इसको श्रम विभाग से की तरफ से क्या मुआवजा मिलता है, यही आशा इनके परिवार के लोग लगाए हुए। वलसाड़ के SP सर्कल से वलसाड़ हालर 4 रास्ता तक आए रास्ते पर अव्यवस्थित पार्क करे वाहनों पर पुलिस फिलहाल आंख। हाल वलसाड़ शहर में ट्रैफिक की मुसीबत हो रही है, जिसको लेकर बीते कल वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह चाला द्वारा भी निरीक्षण करने में आया, जिसको लेकर आज रोज वलसाड़ शहर पुलिस इंस्पेक्टर HJ भट्ट और उनकी टीम द्वारा SP सर्कल होकर हालर 4 रास्ता तक आए रास्ते पर अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर वाहन डिटेन कर कानूनी कार्यवाही की थी, जिसको लेकर अव्यवस्थित पार्क करते वाहन चालकों में डर का माहौल दिखने को मिला था। शहर रोड पर पार्क करेला वाहनों हटाई देवा, नहीं तो वाहन मालिकों पर कड़ी कार्यवाही करवा। वलसाड़ में आवारा पशुओं से लोग हो रहे हैं परेशान, पालिका द्वारा गौ सेवा दल को भी नहीं मिल रही किसी भी तरह की सहायता। वलसाड़ शहर में आवारा पशु से कई मुसीबत हो रही है। वलसाड़ पालिका के हद विस्तार में आवारा पशु अपने झुंड के साथ रास्तों पर बैठे रहते हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक की मुसीबत होती है। तब वलसाड़ पालिका इन आवारा पशुओं को कब पकड़ेंगे और पिंजरे में डालेंगे, ऐसी चर्चा लोगों में हो रही है। तब वलसाड़ पालिका या वलसाड़ तालुका में बीमार गाय को इलाज देने वलसाड़ अग्निवीर सेवा दल तैनात रहते हैं और अग्निवीर गो सेवा दल को इस काम में नगर पालिका या सरकार किसी भी ग्रांट या पैसे सेवा दल में नहीं देते, पर इस सेवाभावी अग्निवीर गो सेवा दल अपने खर्च से गाय और अबोले पशुओं की सेवा करते हैं। तब वलसाड़ शहर में घूमते आवारा पशु को उनके मालिक द्वारा देर शाम को दूध निकाल देने के बाद रास्तों पर घूमने छोड़ देते हैं और रात के वक्त वलसाड़ शहर में कई बार बाइक चालक या कार चालक का
गाड़ी के साथ अकस्मात बार बार होता है और अकस्मात में किसी की जान जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन, ऐसे सवाल वलसाड नगर पालिका के सामने उठ रहे हैं। तब वलसाड पालिका इन आवारा पशुओं के मालिकों के खिलाफ कामगिरी करे और आवारा पशु का निकाल लाए और वलसाड पालिका से निकाल ना लाने में आए तो वलसाड जिला कलेक्टर को वलसाड अग्निशर गो सेवा दल द्वारा देने में आए ज्ञापन को ध्यान में लेकर अग्निवीर गो सेवा दल को जगह देने में आए और सहकार देने में आए तो भी मुसीबत का हल हो सकता है। तब वलसाड शहर में मृत गायों या इलाज के लिए गो सेवा दल द्वारा नगर पालिका के चीफ ऑफिस को जानकारी देने के बावजूद अग्निवीर गो सेवा दल को मिलना चाहिए वैसा सहकार नहीं मिल रहा। तब हाल चल रही वलसाड शहरों में आवारा पशु की मुसीबत को वलसाड नगर पालिका किस तरह समाधान करते हैं यह देखना रहा। हूँ छेल्ला 8-10 वर्ष थी अग्निवीर गौ सेवा दल चलावीए छे अमे ने तमाम रखड़ती गाय माता ने हमें सेवा करी छे। जैसे कि एक्सिडेंट थी गई हो, कूवा में पड़ी गई हो, डिलीवरी थी गई हो, कोई भी हालत में गौ माता होने हमें सारवार आपीए छे ने तमाम हमारे खर्चे चाले छे। कोई सरकार या कोई नगरपालिकाना एक भी रुपया वगैरह हमें अमारा चलावीए छे। आ दर चौमासा में आ प्रॉब्लम बहुत मोटी बनी आती है के तमाम गायों हो रस्ता पर बे है एने लीधे घना बदा मृत्यु भी थी गेला है, गायों भी मृत्यु थी गई है। अमे गया वर्षे भी कलेक्टर श्री ने आपेलुत आवेदन पत्र भी आपेलू, अरजी भी आपेली थी कि साहब हमें एनी जवाबदारी लिए छे कि तमे हमने खाली जगह फाड़ी आपो, तमाम रखड़ती गायों छे तेमने अमे एक जगह मूकशू ने एमनी सेवा करशू। ने साहिबे पछी नगरपालिका ने कीधु, सीओ साहेब ने, सीओ साहेब आते जोड़े अमारी मीटिंग भी थी। सीओ साहेबे पछी अमने खाली एवं कीधु कि ठीक है कई भी हो तो अमने जणावजो, पण आज भी कोई गाय मरी जाए क्या कई भी थी गयू हो तो नगरपालिका थी अमने जरा पण भी पेलू नहीं मलत, एनी सेवा जी मलती हो नहीं मलती। ने जरे भी कहीं एवं मृत्यु के एवं थी गयू हो तो अमे अमारा पोता वाहन में भरे लाइए छे एमने आपवा माटे कि आ गाय अहीं मरी गई है, ये लोग लेवा भी नहीं आवे। ने मोटा में मोटो प्रश्न ये लोग एवं अमने दर वक्त करवामां आवे छे कि अमारा पास डाटवा माटे भी जगह नहीं कि आपवा माटे भी जगह नहीं, ये लोग अमने कहे कि तमे जगह शोधी लाओ तो अमे गौशाला बनावीए। तो आ जवाबदारी सरकार नहीं रही, हमारी नहीं रही, अमे तो अमारा खर्चे काम करीए छे। मारो मालिकों ने नगरपालिका ने एटलू ज कहेवानुं छे कि मालिक जे तमाम छे ए दूध जरे सांजे काढ़वाना होय तेरे ज लई जाता छे, तो एमने कहेवानुं कि भाई तमारा जे पशु छे तमने जे जिंदगी में दूध वगैरह बधुं आपता छे तेने तमे सरखा राखो, बांधेर राखो, एनुं ध्यान आपो। ने नगरपालिकाने मारो एटलू मेसेज आपवानुं छे કે તમારે એ તમારો જવાબદારી બને છે સિટી માટે કે આ રખડતા ગાયો માટે કઈ એક પાંજરાપુર બનાવે ને એને બધી ગાયોને અંદર મૂકીએ, ચાહે તો અમે અમારી ટીમ સાથે એમને આખું સહયોગ આપશું, જ્યાં જ્યાં અમારી જરૂરત હોય ત્યાં ભી આપશું। પારડી કે સુખેશ ગામ મે ગરીબ વિધવા મહિલા કા ઘર બારિશ કે તુફાન કી વજહ સે ગીર ગયા। पारडी के सुखेस गांव में आए पारसी फलिया में रहते विधवा जनजाति स्त्री रुखीबेन मगनभाई पटेल और उनकी बहू संगीता बहन शैलेश भाई पटेल और उनके दो बेटे मिलकर चार लोग रात के दौरान अपने घर में सोए थे और जल्दी सुबह भारी बारिश शुरू हुई थी और हवा के साथ तेज तूफान शुरू हो गया था। बारिश और तूफान में रुखी बहन के घर में बनाने में आया छपरा बरामदे के हिस्से पर टूट पड़ा था और जोर से आवाज़ आई थी जिसे आसपास के लोग आ पहुंचे थे और छपरे को टूटा देखकर लोगों ने पीछे के हिस्से में जाकर दरवाज़ा खोलकर चारों को सलामत रूप से बाहर निकाला था। घर की छत गिरते 10 जितने पत्रे और नलिये गिर गए थे, साथ ही में लकड़ी के डंडे को और अन्य चीज़ों को नुकसान हुआ था। भाग्यवश घर के चार लोगों का बचाव हुआ था और बड़ा हादसा होने से टल गया था। रुखी बहन जो खुद विधवा है और उनके बेटे का भी अवसान हो गया है और उनकी बहू भी विधवा और निराधार है, तूफान की वजह से उन पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। सुखेस गांव के सरपंच मित्तल बहन पुनीत पटेल और पंचायत के तलाटी मंत्री के साथ ग्राम पंचायत के सभ्य घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और विधवा स्त्री की जरूरी मदद की थी। साथ ही में तूफान में घर गिरने से इस मामले तालुका विकास अधिकारी और मामलेदार तलाटी कम मंत्री ने रिपोर्ट किया था। सुखेस गांव में बारिश और तूफान की वजह से घर गिरा होने का पहला बनाव है। निराधार गरीब स्त्री का घर टूटने से उन पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है।
इसके लिए तुरंत विधवा सहाय कर सरकार मदद करे, यह बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ बनी घटना की वजह से गांव के लोग आ पहुँचे थे और चारों को बचा लिया था। तब दिन के दौरान घटना की वजह से लोगों की आवाजाही दिखने को मिली थी। सरपंच और उनकी टीम ने भी तुरंत आकर स्त्री को मदद की थी। बारिश और तूफान में आकस्मिक रूप से ऐसी घटना होती है जिससे लोगों को सुरक्षा रखनी जरूरी है। बहन मगन भाई मोड़स के घर टूटी पड़ू से टूटी पड़ा आजूबाजू दड़ी आया तो राहत मिली अमने बची गया। अमे चार जना है ने बाजू में घर से तो ये लोग सांभ एट्ले दड़ी आया तो खबर पड़ी तो बढ़ा परिवार आ गया। अमरा पांच छ पतरम भांगा ने नड़िया भांगा एक गार आख तूटी पड़ी से अमने जे राहत मिले घनी त्या सुधी सारू गरीब नु विचारजो। સુકેશ પારસી પડ્યા છે અને અમારે ભાભી થતી છે અહીંયા સવારના મરાખે ઘેર અવાજ આવ્યો એટલે ઘેર પડ્યું એટલે અમે દેર થામ એટલે આવી રહ્યા હોવાના અમે દોડ્યા અને અહીંયા બધું જોયું તો બચી ગયા એ લોકો ના ભાગમાં એ બધું ધીમે ધીમે એકદમ પડી ગયું એકદમ થોડુંક વાવો જેવડું આવ્યું એટલે પછી વાવો જેવડું આવ્યું એટલે એ લોકો સવારના ઉઠેલા હતા એટલે આમાં આડાવરા થઈ ગયા એટલે બચી ગયા એટલે અમે પછી આવીને જોયું તો એ પડી ગયું પછી કોઈને વાગ્યું નહીં એમ કરીને અમે પછી બધું સગવડ કરી અને અમે પછી જાણ કરી સરપંચ સાહેબને કે તમે આવો જુઓ અમે આ ગરીબ છે અમારી ભાભી વિધવા છે એ વોભી વિધવા છે અને બે છોકરા છે રાત કંઈ મળે અમારથી બી કંઈ થાય એવું મળે નહીં અમે બી ગરીબ એ લોકો બી ગરીબ હવે આ કેવી રીતે રહે એ હવે કંઈ કરવું પડે હવે આ હંભે છે હવે પાંચ છ પતરા આગળના તૂટી ગયા ઉપરના નરિયા તે તૂટી ગયા અને દાંડાને બધું ભાંગી ગયું એટલે હવે નવે નથી બનાવવું પડે આ બનાવે તો હવે ખર્ચો તો લાગવાનો જ બધાને ખબર જ છે કે આજે મોંઘવારી હું કેવી રીતે રહેવાનું એ વિચાર કરવું પડે એટલે એને કંઈ ને કંઈક કરવું તે જોઈએ હશે તો હવે રાખવું જોઈએ સરકારે જે કરે તે કરે અમે ઘર ઘરેનો બધો ભરી તાશે અને હવે અમારે કંઈ ને કંઈ રાહતો મળવું જોઈએ રાહત નહીં મળવાનું તો પછી આપવાનું કોણ સરપંચ સાહેબને બોલાવ્યા અમે ઘેરે જઈને બોલાવી લેવાના એ બટલાયું છે તો સરપંચ સાહેબે કહ્યું કે મામલતદાર આવતા છે એમ કે એને અમે કંઈ ને કંઈ રાહત અમને આપશું એમ કરીને વાત કરી છે એને પર અમે આશા રાખતા છે હવે એ લોકો આવીને જે કંઈ ફેસલો કરે ત્યાં સુધી અમારે એ લોકોને જે કંઈ આપે ને કંઈ રાહત મળે એ જ આશા રાખતા છે। पार्टी के सीनियर सिटीजन कई बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद कोरोना को मात दी। वलसाड जिला में कोरोना की वजह से सीनियर सिटीजन की सबसे ज्यादा मौत हो रही है, पर पार्डी कोविड हॉस्पिटल में एक महिला सीनियर सिटीजन डायबिटीज थायराइड और ज्यादा वजन वाले थे। उनका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 12 दिन तक सीनियर सिटीजन बीमार रहने के बाद ठीक होकर घर लौटे हैं। कोरोना की वजह से अब तक 15 लोगों की जान गई है। पार्डी सहित वलसाड जिला में वृद्ध मरीजों की अन्य बीमारी की वजह से कोरोना से मौत हो रही है। तब पार्डी के मीना बहन राणा का स्वास्थ्य बिगड़ते पार्डी कोविड हॉस्पिटल में इलाज हेतु लाया गया था, जिनको डायबिटीज थायराइड की बीमारी थी और वजन भी ज्यादा था। उनका कोरोना रिपोर्ट सीटी स्कैन में पॉजिटिव आने के बाद इलाज शुरू करने में आया था। डॉक्टर MM कुरेसी के दिशा निर्देश से चिकित्सक की टीम ने कोरोना मरीज पर निरंतर वॉच रखकर इलाज शुरू रखा था। 12 दिन तक स्वास्थ्य खराब रहने के बाद चिकित्सक की टीम ने नवजीवन दिया था। कोरोना में विभिन्न बीमारी से पीड़ित मरीजों में मृत्यु दर बढ़ रहा है, इसके बावजूद पार्डी की महिला ने विविध बीमारी के बावजूद भी कोरोना को मात दी है, जिससे कोरोना की वजह से विभिन्न बीमारी से पीड़ित मरीजों की मौत होती है, यह बात झूठी साबित हुई है। पार्टी में एक ही परिवार के 3 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर वापस लौटते फूलों की बारिश कर सम्मान किया। पार्डी नगर में लार्ड स्ट्रीट में कुछ दिन पहले सिविल हॉस्पिटल में एक ही भरतिया परिवार के 3 लोग कोरोना को मात देकर रविवार को घर लौटते पड़ोसियों ने उन पर फूल बरसाकर सम्मान किया था। परिजन इलाज लेकर ठीक होकर एम्बुलेंस में किंचल सिद्धार्थ और प्रफुल्ल भाई घर लौटे थे और परिवार में खुशी का माहौल छा गया था। कोरोना को मात देने वाले किंचल भरतिया ने बताया कि
वलसाड नगर पालिका की हॉस्पिटल में जो हमारे परिवार को इलाज दिया है उसमें डॉक्टर रोहन और डॉक्टर वीरेन और मेडिकल स्टाफ की कामगिरी की तारीफ की थी और डॉक्टर और स्टाफ को पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया था। तब हम सबको खुद ही समझना है कि कोरोना के हर एक नियमों का पालन करना और हो सके उतने संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए और एक दूसरे को सहकार देना जरूरी है। आज आ खाली नाम पड़ता वक करे थी जमीन पर खसी जाए अने एक परिवार त्रण सदस्यों ने जैसे कोरोना थाय तरह मन में मानस ने केव असर पड़े थे तो तब सपने भी विचार सकता नहीं। एवं संजोगों में अमारी फेमिली ने पर कोरोना पॉजिटिव एक अनुभव थोड़ा अनुभव थता अमे सीधा सीविल हॉस्पिटल में आया त्यारबाद अमे प्राथमिकता में चेकिंग कर वलसाड नगरपालिका हॉस्पिटल में ट्रांसफर आया ज्या रोहन सर तथा धीरेन सर की मेडिकल टीम की उत्कृष्ट कामगिरी अमने अनुभव थो। सौ प्रथम जो मानसिकता थी कि सीविल में जाइए छे नगरपालिका हॉस्पिटल में जाइए छे अने घनी बधी रूमर फैलाता जोता पहला बे दिवस माइंडसेट थत नहीं अनुभव बराबर रीजन ये કે તે ટાઈમે એક જબરદસ્તીપૂર્વક નિર્ણય અમારે લેવાનો હતો કારણ કે તે ટાઈમે પ્રાઇવેટમાં કોઈ જોબ પ્રાઇવેટમાં કંઈ ખાલી નહીં મળે પરંતુ બીજા દિવસથી જ્યારે અમને અનુભવ થયો એ વાત તો કંઈ અલગ જ છે। સૌથી પહેલાં હું તમારી મેડિકલ સ્ટાફને કે તમારી નર્સિંગ સ્ટાફને ઘણું ઘણો અનુભવ અભિનંદન કહું છું કે એમને અમને ખ્યાલ પણ આવવાની દીધા કે અમે એક ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં છે। સેકન્ડ હવે નગરપાલિકાની હોસ્પિટલની વાત કરીએ તો અમના દિવસા સરકારશ્રી તરફથી ઘણી સારી એક આપણને ભેટ મળી છે કે જેને આપણે જે કોઈને પણ રેકમેન્ડેશન કરી શકીએ અને એમનું જે સંચાલન થયું 10-10 દિવસ કે બી શું હોય કે નર્સિંગ સ્ટાફ તો એમનું મેડિકલ કામ કરે છે અને સાથે સાથે અગર જો એડમિન લેવલનું જે પ્રોપર હોય જેમ કે તમારું સવાર સર નાસ્તાની વ્યવસ્થા બેટ જમવાની વ્યવસ્થા તે માટે બધું માઇન્ડ ટોટલી પ્રોપર થઈ જાય છે અને અડધી રિકવરી ત્યાં જ આવી જાય છે। તો હું તમને તમારી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને ભવિષ્યમાં પણ તમે આ રીતના સેવાને કાર્ય કરતા રહો એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું। જય હિન્દ જય ભારત। दमन के पटलाना ग्राम पंचायत के सरपंच विजय पटेल ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को बिजली के दरों में राहत देने हेतु आवेदन पत्र सौंपा। दमन के पटलारा ग्राम पंचायत के सरपंच विजय पटेल ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को बिजली के दरों में राहत देने हेतु आवेदन पत्र सौंपा था। विजय पटेल ने ज्ञापन में प्रशासक से निवेदन किया था कि पटलारा ग्राम पंचायत के विस्तार में रहते लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है, जो खेती कर अपना जीवन निर्वाह चलाते हैं। पटलारा ग्राम पंचायत के विस्तार में विद्युत विभाग के 2 पावर ग्रिड स्थित है। दोनों ही पावर ग्रिडों के लिए ग्रामजनों ने सरकार को जमीन का योगदान दिया है, जिसके लिए ग्रामजनों को बिजली के दरों में राहत मिलनी चाहिए। इसी के साथ विजय पटेल ने 3D संघ प्रदेश के विद्युत विभाग का निजीकरण न कर उसे सरकार द्वारा ही कार्यरत रखने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से अनुरोध किया था। आज रोज अमे अमरा पटलारा पंचायत द्वारा थी एक अमे अपना माननीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई ने एक लेटर आप्यू के जीमा आज तमे जो कि वीज दर नो भाव वधी गयो एना माटे आज अमारू पटलारा पंचायत ना जो वासी से एक खेती पर निर्भर छे अने आज आ जोवा जाय तो आखो मोटी दमन एमा कोई इंडस्ट्री नथी तो वीज दर में अमरा खेडूतोने एमा राहत आपवा जोईए अने जो अमारू पटलारा पंचायत छे એમાં 2 પાવર ગ્રીડ આવેલા છે ને એ અમારા ખેડૂત લોકોની લેન્ડ છે તો અમારા વિસ્તારમાં અમારા ખેડૂતોને એક આ વીજ દરમાં એક રાહત આપવું જોઈએ અને હાલમાં જે લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે તો આજે 4-5 મહિનાથી લોકો બેરોજગાર છે તો આ હાલમાં જે બિલ ભરવામાં લોકોને તંગી પડ્યા કરે એમાં બી કંઈ રાહત કરવા જોઈએ અને અત્યારે જે ઇલેક્ટ્રિકરણ છે એ કંઈ પ્રાઇવેટ થવાની વાત થઈ રહી છે તો એને આપણું ગવર્મેન્ટમાં રાખવામાં આવે ને ગવર્મેન્ટથી જ ચલાવવામાં આવે એવી રીતે અમે પ્રફુલ્લભાઈને એક લેટર આપ્યું તો અમને પ્રફુલ્લભાઈ પટેલ પર અમને વિશ્વાસ છે
कि आना पर अमने कोई विचारणा करशे ने अमारा पटलारा पंचायत अने अमारा दमणना जे मोटे दमण विस्तार छे जे इंडस्ट्री एरिया नथी तो अमारा एरिया ने कई राहत आपशे एवी अमे पटलारा पंचायत ने अमारा ग्रामजनोथी अमे आशा राखीए। वलसाड जिले में अग्नि सुरक्षा की जांच के लिए कोर कमेटी प्रत्येक अस्पताल संस्थान में आत्म परीक्षण करेगी। अहमदाबाद की अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद एक बार फिर गुजरात के शहरों में अस्पतालों और संस्थानों में आग से सुरक्षा से जुड़े कई मामले प्रकाश में आए। वलसाड जिले में भी अस्पतालों, स्थानिक संस्थानों, ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा के नाम पर अग्नि सुरक्षा का मुद्दा सामने आया। हालांकि वलसाड कलेक्टर आर.आर. रावल ने कहा कि उन्होंने इसके लिए एक विशेष कोर समिति बनाई है जिसकी जांच हर अस्पताल संस्थान में की जा रही है। 13 अस्पतालों में से प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए हैं और अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वापी एक औद्योगिक क्षेत्र है, समय समय पर यहां कई बड़ी आग आपदाएं हुई है, इसलिए एक ही समय में कई बड़े अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, उच्च इमारतें हैं, इनमें से ज़्यादातर अग्नि सुरक्षा के बारे में जानते हैं। हालांकि कई ऐसे हैं जिन्होंने केवल नाम से अग्नि सुरक्षा रखी है जिसके कारण जब भी आग लगती है तभी आगजनी से जुड़े घोटाले बाहर निकल आते हैं और सिस्टम के नाम पर पर्याप्त कार्यवाही ऐसे लोगों को आग से लापरवाह होने का मौका देती है। हमें लगभग तमाम हॉस्पिटलों ने जाँच करी है, एना माटे कोर कमिटी एक कमिटी की निमणूक करी है। कमिटी बे दिवस एक एक हॉस्पिटल चेकिंग कर रही है, तपास कर रही है। ये जेटली हॉस्पिटलों ने अमने प्रमाणपत्र मळ्या छे अने जे कोई हशे जे कोई हॉस्पिटल संस्था तो अमे एने कहीए छीए कि तात्कालिक रीते आ व्यवस्था पूरी करो जेथी करीने भविष्य में कोईपण ने कोई प्रश्न के मुश्किल उभी न थाय अने सरकार ने नियमों नु पालन थाय। दमण न्यूज़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
दादरा नगर हवेली में सोमवार को 24 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में सोमवार को 12 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। सोमवार को 14 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 203 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 507 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी है जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 230 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं जिनमें से 17 दादरा पंचायत में, 12 नरोली पंचायत में, 17 सामरवर्णी पंचायत में, 14 रखोली पंचायत में, 5 दपाड़ा पंचायत में, 9 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 2 सिंदोनी पंचायत में, 1 मानदोनी पंचायत में, 3 गलोंडा पंचायत में, 1 किलवाणी पंचायत में, 4 सायली पंचायत में, 19 मसाट पंचायत में, 4 सुरंगी पंचायत में, 2 कोंचा पंचायत में, 4 दुधनी पंचायत में, 4 अम्बोली पंचायत में, 1 रांधा पंचायत में और 110 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। दमन में सोमवार को 23 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। सोमवार को 28 मरीज स्वस्थ हुए जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 194 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 569 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में सोमवार को 7 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 101 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं जिसमें से 28 डाबिल में, 14 कचिका में, 6 दुनेठा में, 12 दलवाड़ा में, 5 भीमपुर में, 1 फरकुंड में, 5 देवका में और 30 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिले में सोमवार के दिन कोरोना के 18 केस पॉजिटिव दर्ज हुए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में सोमवार के दिन कोरोना के और 18 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। सोमवार को आए 18 केसों में से 3 वलसाड से, 3 पारडी से, 1 वापी से, 1 उमरगांव से, 1 धर्मपुर से और 9 कपराड़ा के विस्तारों में से है। इसी के साथ सोमवार को 19 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी और 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। वलसाड जिला में कुल 131 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 573 लोगों की रिकवरी हो चुकी है और 8 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तारों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। श्री दमन जिला आदिवासी समाज ने विश्व आदिवासी दिवस पर परियारी पंचायत में आयोजित किया रक्तदान शिविर। विश्व आदिजाति दिवस के अवसर पर श्री दमन जिला आदिवासी समाज ने मोटी दमन की परियारी पंचायत में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दमन देव सांसद लालू पटेल उपस्थित रहे। इस मौके पर दमन जिला आदिवासी समाज प्रमुख धीरू धोड़ी ने मुख्य अतिथियों एवं रक्तदाताओं का गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। इस रक्तदान शिविर में आदिवासी समाज सहित अन्य लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस दौरान कुल 51 बॉटल रक्त एकत्र हुआ। डीएमसी प्रेसिडेंट मुकेश पटेल एवं मगरवाड़ा सरपंच दिलीप नरसिम ने भी रक्तदान किया। आदिवासी समाज की ओर से 25,000 आदिवासी युवाओं की ओर से कलेक्टर के नाम सांसद लालू पटेल को 5 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा गया जिसमें आदिवासी सांस्कृतिक भवन भितवाड़ी मोटी दमण में दमण के 4 आदिवासी समाजों की अलग अलग ऑफिस देने, आदिवासी सांस्कृतिक भवन में कोई अन्य सरकारी विभाग को न देने और इसे आदिवासी समाज को सौंपने की मांग की गई है। दमण विद्युत विभाग द्वारा बढ़ाए गए लाइट बिल के भाव को रद्द करने और विद्युत विभाग के निजीकरण की कार्यवाही का विरोध ज्ञापन के माध्यम से किया गया है। इसी तरह अन्य मुद्दे भी आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में सरपंच चंचल हलपति, भाविक हलपति, विक्रम हलपति, मनोज नायक, फकीर धोड़ी, मनोज नायक सहित के अग्रणी उपस्थित रहे थे। उमरगांव में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ईश्वर भाई परमार की अध्यक्षता में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ईश्वर भाई परमार की अध्यक्षता में उमरगांव नगर पालिका में कन्याशाला में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आदिवासी देवी देवताओं को फूलों के प्रसाद के साथ मंगल दीप प्रगति के साथ हुआ। मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी।
उमरगांव नगर पालिका संचालित कन्याशाला में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री उमरगांव मौजूद थे, भाजपा शासित उमरगांव नगर पालिका के सदस्य, पदाधिकारी और शहर के पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। रविवार को सामाजिक अधिकारिता मंत्री ईश्वर भाई परमार की अध्यक्षता में उमरगांव नगर पालिका में पोस्ट ऑफिस के बगल में एक गर्ल्स स्कूल में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों, खिलाड़ियों, प्रतियोगितों, सर्वश्रेष्ठ पशुपालक, किसानों को सम्मानित किया गया और लाभार्थियों के साथ साथ वन अधिकारी अधिनियम के तहत वन भूमि शीर्षक कर्मों का वितरण मंत्री और गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। आश्रम स्कूल काले के बच्चों ने प्रार्थना और स्वागत गीत गाए। मंत्री परमार और गणमान्य व्यक्तियों के हाथों में कन्या स्कूल के प्रांगण में एक पेड़ लगाया गया था। उस अवसर पर जिला विकास अधिकारी अर्पित सागर, तालुका भाजपा अध्यक्ष मुकेश पटेल, जिला महासचिव प्रवीण पटेल, सरपंच संघ अध्यक्ष नरोत्तम पटेल प्रकाश पटेल, तालुका पंचायत अध्यक्ष जयबेन पटेल, तालुका विकास अधिकारी, मामलतदार अग्रणी शंकरभाई वारली सहित बड़ी संख्या में आदिवासी भाई और बहनें उपस्थित रहे थे। आ कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रमुख श्री मणिभाई पटेल, जिला विकास अधिकारी श्री, तालुका पंचायत प्रमुख श्री, नगरपालिका प्रमुख श्री, अमरा जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन होद्देदारश्रीओ अने मर्यादित मेहमानों की संख्या में आ कोरोना महामारी वच्चे सोशल डिस्टन्स पालन कर सैनेटाइजेशन करीने अने तमाम मेहमानोनु टेम्परेचर चेक कर्या बाद आ एक नाना हॉल में मर्यादित संख्या में आ कार्यक्रम करवामां आव्यो हतो। माननीय मुख्यमंत्री श्रीए पण गांधीनगर खाते थी आ कार्यक्रम ने संबोधन कर्युं हतुं अने आपणा आदिवासी समाजना लोको एमना युवानो भणी गणीने उत्तरोत्तर खूब प्रगति करे अने एना माटे सरकार पण प्रतिबद्ध छे। त्यारे आजे आ विश्व आदिवासी दिवसनी तमाम उपस्थित लोकोने शुभकामना पाठवी हती अने साथे साथे आ रीते मर्यादित संख्या में तमाम जिल्लाओमां अंबाजीथी उमरगाम सुधीना पूर्व पट्टीना विस्तारमां आ कार्यक्रमों करवामां आव्या छे अने फरीथी समग्र आजना उपस्थित लोकोने अने समग्र आदिवासी समाजना युवानोने, भाईओने, बहनोने, वडीलोने तमामने विश्व आदिवासी दिवसनी खूब खूब शुभकामनाओ पाठवी। मैं कह्युं तेम के अगाउना समय में आ विभाग माटे कोई अलग मंत्रालय पण न हतुं। 2004 आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजीए एक अलग मंत्रालय शुरू कर्युं। 2007 आपणा पूर्व मुख्यमंत्री अने हालना वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेबे वन बंधु कल्याण योजना अमल में मूकीने जे प्राथमिक सुविधाना कामों होय, अन्य बीजा सुविधाना कामों होय तेवा पण अनेक प्रकारना विकासना कामों आदिवासी समाज माटे करवामां आव्या। दादरा नगर हवेली और दमण दीव प्रदेश की भाजपा मंत्री अंकिता पटेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर अपनी टीम के साथ प्रदेश के आदिवासी गांवों का किया दौरा। रविवार दिनांक 8 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली और दमण दीव की प्रदेश की महिला नेत्री अंकिता पटेल ने अपनी टीम के साथ तापड़ा, वासोना काकड़पाड़ा, खानवेल, तलावती चूड़ीपाड़ा, अम्बोली, कोठारपाड़ा, कोंचा, लोहरपाड़ा जैसे आदिवासी गांवों का और पंचायतों का दौरा किया। विश्व आदिवासी दिवस पर किए गए इस दौरे में आदिवासी भाई एवं बहनों को मास्क का वितरण किया गया, साथ ही बच्चों को बिस्किट, किताबें और स्टेशनरी भी बांटी गई। अंकिता पटेल के साथ कपिला पंचाल, हितेंद्र सिंह सोलंकी, दपाड़ा पंचायत के सदस्य सूरज भाई, रखोली पंचायत सदस्य रीटा पटेल, राखोली मंडल अध्यक्ष कमलेश पटेल, ईश्वर भाई उपस्थित रहे। वर्षो वर्ष थी आजना दिवसे आ कार्यक्रम करवामां आवे पण अमने अमे पण आपणा प्रदेश में भी जेम के अमे लोको छे अलग अलग जे सामाजिक संस्थाओ छे पछी भारतीय जनता पार्टी तरफ थी छे एना तरफ थी भी अलग अलग कार्यक्रम करवामां आवता हता आज सुधी। पण आ वर्षे खास करीने शुं थयुं के तमने बधाने खबर ज छे के आपणो प्रदेश देश ने दुनिया की जेम एक बहु मोटी महामारी जेनुं नाम कोरोना कोविड 19 जेने
એ કોરોના વાયરસથી આપણો પ્રદેશ બી આખી દુનિયાની જેમ લડી રહ્યો છે આ વર્ષ 2020માં. એટલા માટે આ વર્ષે લોકોને ભેગા કરીને કાર્યક્રમ કરવાનો, જે બહુ મોટી માત્રામાં આપણા આદિવાસી સમાજના લોકો ભેગા થાય દર વર્ષે, પણ આ વર્ષે એ શક્ય નહીં બની શક્યું આ કોરોના વાયરસના લીધે. એટલા માટે આ વર્ષે અમે લોકોએ આવા આ રીતના જો તમારા વચ્ચે આવીને અમે આ માસ્ક આપવાનો કાર્યક્રમ કર્યું તમારા સુરક્ષા માટે, એ આપણે નાના નાના આ રીતના કાર્યક્રમ દરેક પંચાયતમાં જઈને કરી રહ્યા છે. તો આજે અમે એટલા માટે તમારી વચ્ચે બી આવ્યા, ને ખાસ કરીને આ જે મહામારી ચાલી રહી તેના માટે તમને ખાલી બે વસ્તુ કહેવા માગું કે આપણા જે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી છે શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી, તેમણે ખાસ કરીને આપણા સમાજના લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને, કારણ કે આ મહામારીમાં ઘણા લોકોના કામ છૂટી ગયા, આપણે ઘણા બધા લોકો આપણા રોકડા પર બી કામ પર જતા હતા કે ફેક્ટરીમાં કામ પર જતા હતા, તો ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે તે બી આ મહામારીને ચપેટમાં આવી ગઈ, તો એ બધી કંપની બી બંધ થઈ ગઈ, એટલે ઘણા લોકોના કામ બી છૂટી ગયા. એટલે આપણા જ આદિવાસી સમાજના લોકોને ખાસ કરીને જે રોજનું જે રાશન પાણીનું હતું તેની બી તકલીફ આવી પડી. તો આ તકલીફથી બચાવવા માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આપણને રાશનના કીટ બી આપ્યા, આપણા ગામમાં બી આપ્યા ને કીટ. તો એ રીતેથી એમણે આખા દેશમાં 15 કરોડ લોકો સુધી આવા રાશનના કીટ પહોંચાડ્યા. તો આપણા ગામમાં પણ આ દરેક ઘરને આ રાશનના કીટ પહોંચ્યા, તો એમના માટે આપણે એમને દિલથી આભાર માનીએ છીએ. હું પણ આદિવાસી સમાજની દીકરી છું એટલે હું એમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું આજના દિવસે કે આપણા સમાજના લોકોને મદદરૂપ બન્યા. અને આપણા પ્રદેશમાં આપણા જે પ્રશાસક છે પ્રફુલભાઈ પટેલ, તો એમના પણ નરેન્દ્ર મોદીજીના ગાઈડલાઈનના હિસાબે આપણે બધાને આ રાશનના કીટ પહોંચાડ્યા. તો આજના દિવસે આપણે એમને ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ. અને એક તમને લાસ્ટમાં એટલું જ મેસેજ આપવા માંગુ કે આ મહામારી બહુ મોટી મહામારી છે, એટલે જેટલું આપણે સાચવીને રહીએ એટલું સારું. આપણે આ કપડાંનો ઉપયોગ તો કરતા જ છે, પણ તમને અમે અમારી તરફથી આ માસ્ક જે આપણી બહેનોએ બનાવેલા છે એક એનજીઓના તરફથી, હું એનજીઓ પોતે રન કરું છું સ્વાધીન ઉમર ફાઉન્ડેશન, આપણી બહેનો બનાવેલા છે, એટલે આ માસ્કનો તમે ખાસ ઉપયોગ કરજો. અને જેટલું થોડુંક આપણે દૂરી એક હાથની દૂરી જેટલી થાય, કોઈક વાર બેસેલા હોય તો એક હાથની દૂરી રખાય એટલું રાખીને આપણે બેસીએ તો આપણી સુરક્ષા માટે સારું. અને આજે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે જલ્દીથી આપણો પ્રદેશ પણ આ મહામારીથી મુક્ત થાય, આપણો દેશ પણ આ મહામારીથી મુક્ત થાય, જેથી કરીને આપણું જીવન સામાન્ય બની શકે. પારડી શહેરમાં બિરસા મુંડા સર્કલ કે પાસ વિશ્વ આદિવાસી દિન મનાને સમાજ કે હોદ્દેદારોને જાહેર છુટ્ટી દેને કી માંગ કી. પારડી શહેરમાં રવિવાર કે દિન બિરસા મુંડા સર્કલ કે પાસ 9 અગસ્ત વિશ્વ જનજાતિ દિન મનાને સમાજ કે અગ્રણીઓ કી ઉપસ્થિતિ કરને મેં આઈ થી. સબ એક નારે કે સાથ આદિવાસી એકતા જિંદાબાદ કે નારે કે સાથ પારડી બાજાર કા ફુવારા ચલકર ગુંજ ઉઠાતા. યહાં પહેલી શરૂઆત બિપિનભાઈ પટેલ, પારડી નગરપાલિકા ઉપપ્રમુખ ઓર કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ બિપિન પટેલ, કપિલ હલપતિ, શિવાજી પટેલ, વલસાડ જિલ્લા પંચાયત સભ્ય સતીશભાઈ પટેલ, પૂર્વ પારડી તાલુકા પંચાયત ઉપપ્રમુખ પારડી પાલિકા કોર્પોરેશન તારાબેન પટેલ, પૂર્વ સભ્ય શૈલેષભાઈ પટેલ, કિરણભાઈ પટેલ, યોગેશભાઈ પટેલ, આદિવાસી સમાજ કે હોદ્દેદાર ધર્મેશ વિજયભાઈ પટેલ, મનીષભાઈ હલપતિ વગેરે બડી માત્રામાં આદિવાસી ભાઈ ઉપસ્થિત રહે થે ઓર ઉત્સાહ સે આદિવાસી દિન મનાને મેં આયા થા. આદિવાસી સમાજ કે અગ્રણી બિપિન પટેલને બતાયા કે વિવિધ ત્યોહારો મેં સરકાર જાહેર છુટ્ટી દેતે હૈ તબ આદિવાસી વિશ્વ કે દિન ભી જાહેર છુટ્ટી દેને સરકાર કો અપીલ કી હૈ. કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે જો આજરોજ હાજર થયા છે, અને આજે મને ખરેખર દેખાયું છે કે આજની સંખ્યા જે દર વર્ષે થાય છે એના કરતાં ધીમે ધીમે વધી રહેલી છે. અગાઉ આપણે જોયું છે સુમનભાઈનું વક્તવ્ય હતું, રાજેશભાઈનું વક્તવ્ય હતું, કિરણભાઈનું હતું, શિવાજીભાઈનું હતું, કપિલભાઈએ કીધું, શીલાબેને કીધું, બધા જ મહાનુભાવોએ કીધું તેમ આપણે 9 ઓગસ્ટે આજનો દિવસે વિશ્વના અંદરમાં જે ઉજવણી થાય છે, તો મારે ભારત દેશના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ તથા ગુજરાત રાજ્યના સીએમ સાહેબ શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબને એટલું જ કહેવાનું છે કે વિશ્વ આખું આજે જ્યારે રજા જાહેર કરે છે ત્યારે મારી પણ એટલી જ માંગણી છે કે હિન્દુસ્તાનના અંદરમાં પણ વિશ્વ આદિવાસી દિવસની રજા જાહેર કરવી જોઈએ. રાજસ્થાનના અંદરમાં આપણે જોયું છે કે રાજસ્થાન સરકારે આદિવાસી દિવસને મંજૂરી આપી દીધી છે. હવે આજીવન ત્યાં આગળ વિશ્વ 9 ઓગસ્ટનો વિશ્વ આદિવાસી દિવસ જે છે એ દિવસે જાહેર રજા પડી ગઈ છે, ઠરાવ થઈ ગયો છે ને એ મંજૂર થઈ ગઈ છે. એ જ રીતે મારી રૂપાણી સાહેબને અને માનનીય વડાપ્રધાન સાહેબશ્રીને મારી વિનંતી છે કે 9 ઓગસ્ટે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ છે ભારત દેશના અંદરમાં, જેમ દરેક તહેવારોના અંદરમાં દરેક સમાજમાં આપણે જોઈએ છીએ, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, બૌદ્ધ હોય, ઈસાઈ હોય, આજે ઈદની રજા આપવામાં આવે છે, દિવાળીની રજા આપવામાં આવે છે, રક્ષાબંધનની રજા આપવામાં આવે છે, જૈન સંવત્સરીની રજા આપવામાં આવે છે, શીખોના તહેવારોમાં રજા આપવામાં આવે છે, તમામ આદિવાસી તમામ ધર્મના લોકોના
માટે જ્યારે ભારત દેશની અંદરમાં રજા જાહેર કરે છે તેમના તહેવારો પર, તો આજે હિન્દુસ્તાન ભારત દેશ એક આપણો પોતાનો દેશ છે, આદિવાસીનો દેશ છે. જ્યારે આદિવાસીનો દેશ હોય તો આદિવાસીના દેશના અંદરમાં આદિવાસીની એક રજા જાહેર થવી જોઈએ, અને અમારો મૂળભૂત અધિકાર છે. અને એ અધિકારની માંગણી અમે માનનીય ભારત દેશના વડાપ્રધાન શ્રી ગુજરાત રાજ્યના સીએમ સાહેબ પર અમે માંગણી કરીએ છીએ. જય આદિવાસી, જય આદિવાસી, એક તીર એક કમાન, આદિવાસી એક સમાન, એક તીર એક કમાન, આદિવાસી એક સમાન. गुजरात प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल वलसाड जिला के दौरे पर आने वाले हैं, जिसे तैयारी जोरों पर. गुजरात प्रदेश भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल वलसाड जिला का दौरा करने आ रहे हैं. इस अंतर्गत विविध मीटिंग का आयोजन करने में आया है. साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल का स्वागत समारोह करने का आयोजन 12 अगस्त बुधवार सुबह 9 बजे पार्डी मोरारजी देसाई ऑडिटोरियम हॉल में रखने में आया है, जिसमें वलसाड जिला भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ विभिन्न समाज के वलसाड जिला के आगेवन इस अभिवादन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, जो कि कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के नियम अनुसार और सोशल डिस्टेंसिंग रखकर अन्य समाज के आगेवन और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित होने जिला संगठन के होद्देदारों ने बताया था. वलसाड जिला भाजपा प्रमुख और पार्टी के विधायक कन्नूभाई देसाई, महामंत्री महेंद्र भाई चौधरी, प्रवीण भाई पटेल और भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और पार्टी शहर भाजपा प्रमुख राजेश पटेल की टीम द्वारा भी उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा और उनके मित्र भिलाड़वाला बैंक के चेयरमैन और पूर्व पालिका प्रमुख शरद भाई देसाई और विविध समाज के अग्रणी संस्था वगैरह भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भी गुजरात प्रदेश भाजपा प्रमुख सी आर पाटिल का सम्मान किया जाएगा, ऐसा बताने में आया था, जिसकी पार्टी में जोरों से तैयारी हो रही है. मारा अंगत मित्र अने मारा राजकीय गुरु एवा श्री सी आर पाटिल साहेब गुजरात राज्य प्रदेश अध्यक्ष तरीके निमणूक थई छे, अने अमे ज्यारे एमने अभिनंदन आपवा गया त्यारे अमे एमने रिक्वेस्ट करी थी कि आप श्री ए पार्टी में पधारवानुं छे, અને ત્યારે એમણે મને પ્રોમિસ આપ્યો હતો કે હું જ્યારે બી વલસાડ આવીશ ત્યારે પાડી ચોક્કસ વધારીશ. અને મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે 12મી તારીખને બુધવારે સવારે 9 કલાકે મોરારજી દેસાઈ ઓડિટોરિયમમાં એમનો સત્કાર સમારંભ પાડી શહેર ભાજપ તેમજ અમારે સ્વાગત સમિતિ દ્વારા યોજવામાં આવેલ છે, અને એમાં આપ સૌ પણ હાજર રહો એવી હું દરેક સમાજને અને એસોસિએશનને અને સર્વેને વિનંતી કરું છું. નમસ્કાર. ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી સી આર પાટિલ સાહેબ પારડીમાં પધારી રહ્યા છે 12 તારીખે, અને જૂના કાર્યકર્તાઓને યાદ કરીને પારડીને એક મહત્વ આપ્યું, અને જે યશ શરદભાઈ દેસાઈના પ્રયત્નથી પારડી શહેરમાં સૌ પ્રથમવાર આપણા સી આર પાટિલ આવી રહ્યા છે, ત્યારે દરેક જૂના કાર્યકર્તા ભાજપના અને સમાજના દરેક પ્રતિનિધિ ટ્રસ્ટીશીઓ આગેવાનોશીઓને અમે આવવા માટે આમંત્રણ આપીએ છીએ. સ્થળ છે મોરારજી દેસાઈ હોલ, પારડી, 12 તારીખે સવારે 9 વાગે. માસ્ક કે સખત નિયમ અંતર્ગત વાપી પાલિકાને ભી કામગીરી સખત કી. राज्य में 11 अगस्त से मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के पास से 1,000 रुपये का दंड वसूल किया जाएगा, ऐसी घोषणा मुख्य प्रधान विजय रूपाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की है. तब इस अंतर्गत वापी नगर पालिका के प्रमुख विठल पटेल ने बताया कि पूरा विश्व कोरोना महामारी के संक्रमण से पीड़ित है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तब इस वायरस को रोकने जरूरी कामगिरी सुनिश्चित की है. मास्क के जुर्माने की रकम धीरे धीरे बढ़ाकर 1,000 तक करने में आई है. इसको ध्यान में रखकर प्रमुख ने बताया कि वापी नगर पालिका विस्तार में लोगों को इस मामले जागरूक करने में आ रहा है. दुकानदार, ग्राहक, राहदारी, मास्क पहने, इसलिए सख्त नियम जारी है. इसके बावजूद जो लोग मास्क के बिना घूम रहे हैं उसके पास से दंड वसूल करने में आ रहा है. इसलिए लोगों को अपील है कि कोरोना संक्रमण से बचने मास्क पहने, जिससे दंड से भी बच सकते हैं. आपको बता दें कि राज्य में कोरोना के केस दिन भर दिन बढ़ रहे हैं, तब मास्क को लेकर अनलॉक 1 के दौरान राज्य सरकार ने 200 रुपये का दंड जारी किया था, जिसके बाद 200 रुपये का दंड बढ़ाकर 500 रुपये का जारी किया था. पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने मास्क बिना घूमते लोगों के पास से रुपये 1,000 का दंड वसूल करने का निर्णय लिया है.
वापी नगरपालिका का टीम भी पूरा वापी में जिधर जिधर हो सकता है उधर हमारी टीम जाती है, दुकानें और जनरल प्लेसेस पे, और जो मास्क नहीं पहना होगा उनको दंडित करती है। और ये दंड अभी लोगों को थोड़ा स्ट्रिक्टली मालूम पड़े कि ये ज़रूरी है, मास्क की वजह से ही हम संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। वैसे समय पे लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आए, क्योंकि आज हम लोग अनलॉक में, कोरोना वायरस भी अनलॉक हो गया है और उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे समय पे मास्क पहनना अति आवश्यक है। उतना जो हर एक व्यक्ति वापी नगरपालिका का मन में रख के चले तो इसको हम बचा सकते हैं। और सब हमारे जो दुकान के जो भाई लोग हैं उनको हमने अपील किया है और हमारा मैसेज भी उनको भेजा है कि आपकी दुकान है, आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कोई अपनी दुकान में आता है ग्राहक तो उसका मास्क पहले पहना होगा, नहीं तो उसको आप दुकान में लीजिए ही मत। और इसकी वजह से ही हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवा सकते हैं। हमारी प्रशासन के हमारी टीम तो घूम ही रही है, बट दुकान वाले और जो उसके ओनर है उनका भी हमको पूरा सहकार चाहिए। ज़रा उनको फिर से मालूम पड़े कि ये ज़रूरी है, और दंड खाली लेने का वो एक प्रोसीजर नहीं है। दंड तो एक लोगों को ध्यान में आए कि हमको मास्क पहनना जरूरी है, उसके लिए दंडित किया जाता है। वलसाड के तिथल रोड में समुद्र तट का मजा लूटने आए लोग पुलिस बंदोबस्त को देखकर भाग गए। दक्षिण गुजरात में घूमने लायक पर्यटक स्थलों को लॉकडाउन के वक्त से ही कोरोना की महामारी में लोगों को पर्यटक स्थल पर घूमने और इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया था, जो कि अनलॉक 3 शुरू होते ही वलसाडवासी तिथल समुद्र तट का आनंद उठाने और रविवार का आनंद लेने पहुंचे थे। पर वलसाडवासियों को पता नहीं था कि रविवार को आनंद में पंख डालने, सरकार के नियमों का पालन करवाने वलसाड पुलिस द्वारा तिथल में पुलिस बंदोबस्त करने में आया था, जो कि सैलानी तिथल समुद्र का आनंद उठाए उससे पहले पुलिस द्वारा घर भेज देने में आया था। जिला में बढ़ रहे कोरोना केसों को ध्यान में रखकर पर्यटक स्थलों पर पुलिस बंदोबस्त करने में आया है। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में अर्टिंगा कार चालक ने स्कूटी पर जा रहे दंपति को कुचला। वलसाड पुलिस ने मुख्य मार्गों पर अव्यवस्थित पार्किंग पर आंखें की लाल। पार्टी सुखेस की एक विधवा महिला का घर बारिश के कारण टूटा। पटलारा के सरपंच ने बिजली के दरों में राहत देने हेतु प्रशासक को सौंपा ज्ञापन। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हाय, आई एम एस पी पंजा। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पर से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका तीन ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने के लिए बात करता हूँ, तभी कई लोगों के चेहरे पे ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में दो ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों ले? दूसरा नेगेटिव सवाल,
LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है ऐसा जरूरी नहीं है, LIC जिंदा भी पैसा देती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत इर्द गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनिता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था, और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दिया। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज, कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat two? 3 teams. That's big. That's massive. 2 hearts, 1 match. Bowden has got one. A format you have never seen before. What a magnificent night this has been. Like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter stands. This format, who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.